अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गुलाम रशीद, हेड ऑफ क्रिटिकल केयर यूनिट। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर गुलाम रशीद, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आई एम गुड। अब सर, आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्या डेजिग्नेशन है? आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम डॉ मेडिकल कॉलेज इन 2010 एंड देन फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएशन आई डिड इन इंटरनल मेडिसिन इन 2017 और उसके बाद फिर सेकेंड पोस्ट ग्रेजुएशन की मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में लास्ट ईयर एंड करंटली आई एम वर्किंग इन डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल क्लिफ्टन कैंपस एज कंसल्टेंट इन इंटेंसिविस्ट एंड हेड ऑफ मेडिकल आईसीयू एंड सीसीयू। सो डॉक्टर गुलाम रशीद, आपने क्रिटिकल केयर मेडिसिन में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट और अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, तो क्या वजह थी इसकी कि आपने इतना डिफरेंट जो है वो फील्ड चूज की? फॉर सम अननोन रीजन आई हैड इंटरेस्ट इन दिस फील्ड सिंस बिगिनिंग, सिंस हाउस जॉब इन अर्ली क्लासेस नंबर वन एंड नंबर टू, दिस इज़ द फील्ड जिसमें पेशेंट को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है एंड इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज स्पेशली इन पाकिस्तान हमारे पास जो क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं वो ना होने के बराबर हैं, तो फील्ड भी ओपन थी एंड मेरा इंटरेस्ट भी था, सो दिस वॉज द रीज़न के आई केम इन द क्रिटिकल केयर एंड व्हेन आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग इन 2018 देयर वॉज वेरी फ्यू इंस्टीट्यूट विच वर ऑफरिंग द ट्रेनिंग, सो आई वेंट टू इस्लामाबाद and I did my 2-year training in critical care from Shifa International Hospital and then I came back, I cleared the exam and alhamdulillah now we have started the training of critical care medicine as a second FCPS in Dr. Ziauddin Hospital, Clifton campus and we have two fellows working with us right now. तो डॉक्टर गुलाम रशीद, ये बताइए कि आपने जैसे बात की कि आईसीयू हमारा एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है, वहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं वो भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, अगर कोई छोटी सी भी गलती हमारी मेडिकेशन कोई एरर हो जाता है या कोई ट्रांसफ्यूजन एरर हो जाता है, तो उसको केटर करने के लिए उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होते हैं जो आप यूज़ करते हैं? पहले तो हमारी कोशिश ये होती है कि कुछ इस तरह के एरर्स ना हों, तो चूँकि हमारे पेशेंट क्रिटिकली इल होते हैं तो उनकी सबसे अहम कंपोनेंट होता है मैनेजमेंट का मॉनिटरिंग। फॉर दैट पर्पस हमने अपनी नर्सिंग केयर को 1:1 रेशो में रखा होता है, लाइक वन नर्स इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वन डेडिकेटेड पेशेंट और साथ में मॉनिटरिंग भी होती है। सेम टाइम जो हमारा मेडिकेशन सिस्टम है वो ऑनलाइन बेस्ड है, लाइक अगर हैंड राइटिंग की वजह से कोई स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से या कोई डोज समझ में ना आ रही हो तो उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हम मेडिकेशन ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। फिर सेकंड लेवल पे हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं विच आर ट्रेंड इन द आईसीयू मेडिसिंस, तो वो वहाँ से फिर चीज़ों को सर्टिफाई करते हैं कि ये जो मेडिसिन जिस पेशेंट पे ऑर्डर हुई है उसी पे इशू हो रही है। फिर जब मेडिसिन वापस आती है तो फिर दोबारा क्रॉस चेक होता है, हम पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, यूजुअली दो आइडेंटिफायर्स क्योंकि नेम तो सेम हो सकते हैं, तो यूजुअली वो यूज़ MR नंबर अलॉन्ग विद द नेम ताकि किसी एक की दवा दूसरे को ना मिले। और सिमिलरली हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट ये भी इंश्योर करते हैं कि अगर किसी के कोई लिवर के या किडनी के फंक्शन ख़राब हैं तो उनकी जो दवाओं की डोजेज हैं उसके हिसाब से एडजस्ट हो सकें, वो हम लोग भी उसको इंश्योर करते हैं। और इसको हम नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए ये है कि ID बेस्ड जो बार कोड रिकग्निशन होती है उसकी तरफ जा रही हैं, सो दिस इज़ ऑल। और अगर कोई हो भी जाता है मेडिकेशन एरर तो हम उसको रिपोर्ट करते हैं, ADR फॉर्म होता है उस पर और उसको इमिडिएटली रिकग्नाइज करते हैं। सेम गोज फॉर द ट्रांसफ्यूजन्स के, पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स के फॉर्म होते हैं, क्रॉस में चेक होता है, उसके बाद ट्रांसफ्यूजन से पहले दो नर्सेज होती हैं जो कि वेरीफाई करती हैं कि ये इसी पेशेंट का ब्लड है, इसी का ब्लड ग्रुप है, और उसके बाद फिर ट्रांसफ्यूजन होती है। इन स्पाइट ऑफ दैट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन फिर भी हो सकते हैं तो उसको मॉनिटर करते हैं। ठीक है, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में हम किस तरीके से पेशेंट सेफ्टी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारे क्या जो है वो रूल्स हैं, किस तरीके से हम उसको केटर कर रहे हैं? उसमें हर डिपार्टमेंट का अपना है, जैसे ICU में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो हमारा मॉनिटरिंग का सिस्टम है। अगर कोई मैं ICU से रिलेटेड बात करूँगा, अगर कोई पेशेंट हमारा फ्लोर पे किसी वजह से उसकी हेल्थ डिक्लाइन करती है तो हमारे पास रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, वो कॉल करते हैं, हमारे ICU की टीम जाती है, वो उनको पेशेंट को देखती है और फिर अगर ज़रूरत होती है तो उसको ICU शिफ्ट कराती है। सिमिलरली अगर फ्लोर में किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट होता है तो हमारे ICU की जो आउटरीच सर्विसेज
डिवाइसेज हैं, ब्लू कोटिंग जाती है वो उसको रिवाइव करती है, ये तो मैं आईसीयू के लिहाज से बता रहा हूँ। बाकी जाहिर सी बात है फॉल प्रिवेंशन है, हम बेड सोर्स के लिए असेस करते हैं पेशेंट को, फिर हॉस्पिटल अक्वायर्ड इन्फेक्शन के लिए हमारे डिफरेंट जो है ना सर्विलेंस फॉर्म्स होते हैं, हम वेब फॉर्म है या फिर लाइन इन्फेक्शन है या यूरिन इन्फेक्शन है, क्योंकि हॉस्पिटल अक्वायर्ड ये चार पाँच ही चीज़ें होती हैं, उस वो डेली बेसिस पे सर्विलेंस होती है। फिर हमारी इन्फेक्शन कंट्रोल टीम होती है जो डेली बेसिस पे अपडेट करती है हमारे कि किस एरिया में कौन से पेशेंट है, और अगर किसी पेशेंट को कोई इन्फेक्शन ऐसा आ जाता है उसको फिर हम आइसोलेट कर देते हैं। ठीक है, आप हमारे हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे आखिर में कि जो हमें पेशेंट सेफ्टी के हवाले से काम करना चाहिए, हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं? आई थिंक ज़ियाउद्दीन इज़ डूइंग प्रीटी गुड, और नेक्स्ट जैसे मैंने बात की कि अब इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्रिप्शन है उसकी तरफ हम जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइडेंटिफिकेशन है, बार कोड आइडेंटिफिकेशन है उसकी तरफ जा रही हैं, एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर गुलाम रशीद, आपने हमें अपना टाइम दिया, हमें पेशेंट एंड सेफ्टी के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की, थैंक यू सो मच। माई प्लेजर, एंड थैंक यू डॉक्टर ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल कि मुझे मौका दिया यहाँ पर आके बोलने का।